Good morning, students. Today our topic is New Empires and Kingdoms, chapter number 10 from history class 6. तो आज हम पढ़ते हैं assemblies in the southern kingdoms. Assembly का हमें inscription से पता चलता है पालावास की. पालावास की inscription में ये mention किया हुआ है local assemblies को ये लोग maintain करते थे जिसमें सभा को include किया जाता था और सभा में जो land owners होते थे वो होते थे Brahmins. इनका काम होता था look after करना, जैसे कि irrigation के काम को, agriculture के काम को, road के काम को और जो local temples से related काम होते थे उनको देख रेख करना. second type की जो assembly थी उसको कहा जाता है और, जो कि village assembly होती थी और में जो land owners होते थे वो Brahmins नहीं होते थे. फिर आता है नगरम, ये होती थी organization of merchants का. ये तीन assemblyयां होती थी, पहली local assembly, दूसरी village assembly और तीसरी नगरम यानी organization of merchants की. अब पढ़ते हैं ordinary people in the kingdom. हमने राजा के बारे में पढ़ा और अब देखते हैं कि ordinary मतलब आम लोगों, आम लोग जो kingdom में होते थे वो कैसे हुआ करते थे. तो हम आम लोगों के बारे में तो पता नहीं चल पाता क्योंकि वो कोई कहानियां नहीं लिखते थे. तो हम plays के जरिए ordinary people के बारे में पता चलता है, जैसे कालिदास. कालिदास का पता चलता है उसके प्ले में कि जो कि किंग्स कोर्ट में होते थे. काफ़ी दिलचस्प फीचर्स होता था प्ले में. इसमें किंग्स और ब्राह्मण्स को संस्कृत बोलते दिखाया जाता था. तो जो राजा और ब्राह्मण्स होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, जो आम इंसान या वुमेन होती थी वो प्राकृत लैंग्वेज बोलती थी. इम्पॉर्टेंट प्ले था अभी जनाना शकुंतला, जिसमें राजा दुष्यंता और एक वुमेन जिसका नाम था शकुंतला की लव स्टोरी दिखाई गई है. एक पोर फिशरमैन की स्टोरी भी बताई गई है कि उसके साथ क्या किया जाता है इस प्ले में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.